हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब अपना कर दिया था, हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कीलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हाल ही में आरजेडी का साथ छोड़कर भाजपा संघ सरकार बनाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वह शुरू से ही विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया के खिलाफ थे, मगर उनकी बात नहीं मानी गई। नीतीश कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने दूसरा नाम बोला था, मगर इन लोगों ने इंडिया अलायंस नाम रख लिया। अब हालात तो देख ही रहे हैं आप कि क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन का। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अब पुराने साथी भाजपा के साथ आ गए हैं और अब हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हम नाम भी कह रहे थे कि कुछ दूसरा हो, अब अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि ये नाम ठीक नहीं है, तब तक कर दिया था। हम कहे कि ठीक नहीं है, बाद में हालात देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करबे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया है कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, हम तो छोड़ दिए हैं कि छोड़ो भाई, छोड़ कर हम आ गए। जिसके साथ पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन इधर रहेंगे, हम खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहेंगे, सबके हित में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना उनके कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी। नीतीश कुमार ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, बात है कि वे क्रेडिट ले रहे हैं, हमने जातिगत गणना कराया। भाजपा संघ सरकार बनाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी, कोई निकलता नहीं था घरों से, सड़कों की हालत क्या थी, कहीं कोई पुल पुलिया नहीं बनता था। तो वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के नाम पर लिए बगैर कहा कि अभी वह बच्चा है, हम ही आए थे, उनको क्या पता, कोई बच्चा कुछ भी बोल देता है उससे क्या होगा। बिहार में नीतीश कुमार के विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाने के बाद अब विपक्षी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी गठबंधन को ब्रेन डेड बता दिया, तो विपक्षी गठबंधन की महत्वपूर्ण पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए उसी इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। इससे पहले बिहार में जाति सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर सीएम नीतीश कुमार ने तीखा हमला बोला। नीतीश ने कहा कि जाति जनगणना में करवाई लेकिन इसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बिहार के सीएम नीतीश ने महागठबंधन के सहयोगियों के दबाव में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया, जिसके बाद वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।